नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप भाटिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट, हाजिर हूँ आपके सामने इनकम टैक्स से रिलेटेड एक नया डिस्कशन लेकर के। आज के डिस्कशन में मैं आपसे एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट पर चर्चा करने जा रहा हूँ। हम सब जानते हैं सर कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 80E एजुकेशन लोन से रिलेटेड इंटरेस्ट के भुगतान के संदर्भ में डिडक्शन क्लेम करने के लिए असेसी को इंटरेस्ट का डिडक्शन दिलाता है, बेनिफिट्स दिलाता है, यानी उसकी इनकम उस एक्सटेंट तक जिस एक्सटेंट तक इंटरेस्ट का भुगतान असेसी ने कर दिया है कम कर दी जाएगी। और ये कम कर दिया जाना एक तरीके से आपके टैक्सेबल इनकम को कम करेगा, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली आपको इनकम टैक्स में भी बचत होगी। तो मुझे ऐसा लगता है सर कि सरकार ये मानती है कि यदि वो आपको प्रमोट कर रही है कि आप हायर स्टडीज में जाएं स्वयं या अपने बच्चों के लिए या अपने स्पाउस के लिए, और उसके संदर्भ में आप एजुकेशन एक्सपेंसेस जो भी हैं उसके लिए यदि कोई लोन लेते हैं किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से, और वहां आप जो भी ब्याज का भुगतान करते हैं उस ब्याज का सरकार आपको डिडक्शन देने जा रही है, और ये डिडक्शन एक तरीके से आपको आयकर में भी बचत कराता है। अब यहां पर जो डिडक्शन आप लेने जा रहे हैं, इस बात को ध्यान रखें सर कि हमें डिडक्शन केवल और केवल ब्याज राशि का मिलेगा, मूल का डिडक्शन सेक्शन 80E में प्रोवाइडेड नहीं है। और न केवल 80E में, प्रिंसिपल की अमाउंट का सर आपको डिडक्शन किसी और सेक्शन में भी इनकम टैक्स एक्ट में नहीं मिलेगा, मिलेगा केवल इंटरेस्ट का। पहली बात, इंटरेस्ट का भी डिडक्शन आपको तभी मिलेगा जब आपने वास्तविक भुगतान किया है। तो सर एक कॉन्सेप्ट होता है मोरेटोरियम पीरियड, जैसे मान लीजिए हमने 8 साल के पीरियड का लोन लिया और इनिशियल 2 साल तक हमारे को लोन का कोई रिपेमेंट नहीं करना या हमारे को अभी ब्याज का भुगतान नहीं करना, 2 साल बाद से हमारे को ब्याज सहित टोटल राशि का भुगतान शुरू करना है। तो इनिशियल 2 साल में जब मैंने कोई इंटरेस्ट का भुगतान ही नहीं किया, क्योंकि रिलेवेंट व्यक्ति पढ़ रहा है इसलिए हो सकता है बैंक ने आपको मोरेटोरियम पीरियड अलाउ किया, तो ऐसी परिस्थिति में आपको ब्याज का भुगतान जब आप करना शुरू करेंगे, लेट्स अज्यूम थर्ड ईयर इन माई एग्जाम्पल, तो आपको तीसरे साल से ही सर 80E का डिडक्शन मिलेगा। अब एक महत्वपूर्ण बात जो हमें ध्यान रखनी है वो क्या है सर, लॉ जो डिडक्शन देगा वो उस व्यक्ति को देगा जिसने लोन लिया है। यानी मैं एज अ फादर मेरे बच्चों की हायर स्टडीज के लिए एजुकेशन लोन ले सकता हूं, या मेरे बच्चे अपने नाम से भी एक एजुकेशन लोन ले सकते हैं और जब भी वो उस स्टडीज को पूरा करेंगे तो अपनी खुद की कमाई से उसका रीपेमेंट शुरू करेंगे। यदि मैंने एजुकेशन लोन लिया है मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए और मैं उस एजुकेशन लोन पर इंटरेस्ट का भुगतान करता हूं तो मुझे डिडक्शन मिलेगा। लेकिन यदि एजुकेशन लोन मैंने लिया और एजुकेशन लोन की किस्तों का भुगतान मेरे बच्चे कर रहे हैं, तो सर ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि एजुकेशन लोन उन्होंने लिया ही नहीं, वो तो मैंने लिया है, तो फिर इंटरेस्ट का भुगतान का डिडक्शन उन्हें नहीं मिलेगा। यानी कहने का मतलब है जो व्यक्ति एजुकेशन लोन लेगा स्वयं के लिए, अपने स्पाउस के लिए या अपने बच्चों के लिए, या ऐसे व्यक्ति के लिए जिसका वो लीगल गार्जियन है, उनके संदर्भ में उसने जो भी इंटरेस्ट का भुगतान किया उसका डिडक्शन मिलेगा। यदि उस व्यक्ति के अलावा जिसने लोन लिया है किसी और व्यक्ति ने इंटरेस्ट का भुगतान किया है तो उसे डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो यह एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है सर जो हमें ध्यान रखनी है। साथ के साथ सर लॉ ने सेक्शन 80E में हायर स्टडीज का मतलब क्या होता है वो भी बताया, जिसमें वोकेशनल कोर्सेज भी आते हैं, और जनरली आप मान सकते हैं कि 12th के बाद के जो भी हायर स्टडीज के कोर्सेज हैं जनरली वो डिडक्शन के लिए उनको माना जाता है एलिजिबल, चाहे वो स्टडीज इंडिया में की गई हो चाहे इंडिया से बाहर की गई हो। हाँ, जैसा मैंने पहले बोला सर कि इंटरेस्ट का वास्तविक भुगतान जरूरी है, यदि आपने इंटरेस्ट का भुगतान नहीं किया तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। यद्यपि सेक्शन 80E में एक अच्छी बात यह है कि इन्होंने डिडक्शन का मैक्सिमम क्वांटम क्या होगा उस पर कोई लिमिट नहीं डाली है। यानी डिडक्शन आप 1 लाख का ले सकते हैं, 2 लाख का ले सकते हैं, 5 लाख का ले सकते हैं, जितना भी इंटरेस्ट का भुगतान है सर आपको डिडक्शन मिलेगा। बच्चों की सीमा भी तय नहीं है कि एक बच्चे, दो बच्चे, तीन बच्चे, आपके जितने भी बच्चे हैं सर उनके लिए आपने यदि एजुकेशन के लिए, हायर स्टडीज के लिए लोन ले रखा है, न केवल सर जिसमें कोर्स फीस शामिल है, उनके मेंटेनेंस के संदर्भ में भी यदि एजुकेशन लोन है जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या चैरिटेबल संस्था से लिया है, उसके इंटरेस्ट का डिडक्शन आप क्लेम करने के लिए अलाउड है। तो सर ये कुछ बातें मुझे सेक्शन 80E में लगी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। यदि आपकी एजुकेशन लोन से रिलेटेड इंटरेस्ट के डिडक्शन पर कोई क्वेरीज होगी तो मैं अपनी ओर से उन्हें सॉर्ट आउट करने की, उनका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।